हेलो एवरीवन कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जेपीएससी पेपर वन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस को कैसे किया जाए उस पर बात किया था मैंने प्री के पेपर में ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस काफ़ी नया एक्सपीरियंस है बस लास्ट टाइम के जे का ही क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास सैम्पल के रूप में तो उसी बेसिस पर मैंने आपको लक्ष्मीकांत के दो बुक्स में दो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने को सजेस्ट किया था बट आप लोगों में से कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि उनको मैं कवर कर दूँ तो उन चैप्टर्स का थ्योरी पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है बट पिछले बार के जेपीएससी पी एस क्वेश्चन से क्लू लेते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किया है एमसीक्यू जैसा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आई होप कि जो लोग उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से या जिनके पास उन टॉपिक्स को पढ़ने का कोई दूसरा सोर्स नहीं है आई रियली विश कि उनको इससे फ़ायदा होगा तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसी बुक उसी चैप्टर से पिकअप किया है जो मैंने आपको सजेस्ट किया था पिछले वीडियो में और लिटिल अमाउंट ऑफ वेब ब्राउजिंग एज यूजल तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हु एडवोकेटेड द पॉज डी डिकॉर व्यू ऑफ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लूथर गलिक और इसको पॉज डी कार व्यू जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ कर रहा हूँ आई डो नॉट नो कि वो सही है या वैसा बुला जाता भी है या नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्लान्स में बट ठीक है इसको काफी प्रोमिनेंटली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा इसको यहां पर इंक्लूड किया जाए ठीक है तो पी ओ एस डी सी ओ आर बी इसका फुल फॉर्म होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डी फॉर डायरेक्टिंग सी ओ फॉर फॉर कोऑर्डिनेटिंग आर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग यानी कि ये सात एलिमेंट्स हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एज पर पी ओ ओ एस डी सी आर बी व्यू जो कि लूथर गलिक के द्वारा दिया गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हु सेड इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अगर हमारा सिविलाइजेशन फेल होता है तो क्यों होगा एडमिनिस्ट्रेशन के नष्ट हो जाने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से ऐसा किसने कहा है तो ये कहा है डब्ल्यू बी डोनम ने है ना तो ऐसा ऐसा जो वन लाइनर रहता है और छोटा लाइन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया है देखा होगा आप लोगों ने कि स्टेट पी में ज़्यादा चार पाँच छः लाइन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जनरली कॉम्पैक्ट होता है क्वेश्चन एक लाइन दो लाइन डेढ़ लाइन ऐसा ही होता है क्वेश्चन है ना तो मैंने भी सेम फिलासफी पे वर्क करते हुए जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये सब मैंने इंक्लूड किया है वो सब कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट वंस ही यूज़ किया है जो कि प्रोबेबिलिटी uh, ज्यादा है जिनका एग्जाम में होने का, okay? Question number three देखते हैं, टर्म डेवलपमेंट टर्म है वो वो किसने किया किया है? तो वो coin किया है ने, है है, तो ने, ना? शायद इनका नाम और ये इंडियन है तो एक नया टर्म क्विन किए थे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है आपको ध्यान रखिएगा गोस्वामी एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किन को बोलते हैं तो ये कहते हैं जॉर्ज गेंट को तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म जो है गोस्वामी ने क्वान किया क्वॉइन किया और फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं जॉर्ज गेंट को क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हु सेड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंजीनियरिंग ऑफ़ सोशल चेंज लांदो ने ठीक है ना एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज गरीब देशों में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसा किसने कहा तो ऐसा कहा इरविंग स्वरलो ने स्वरलो ने कहा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज ओके तो तीन इंपॉर्टेंट नाम तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है आप पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए या फिर एक कॉन्सेप्ट कह लीजिए ठीक है याद रखेंगे तीनों इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट ठीक है तो मॉडर्न गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स के बिल्कुल सेंटर में लाया करता है क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कौन बोल रहे हैं यह कह रहे हैं एल डी वाइट एल डी वाइट कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ

थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके समय के अनुसार थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स भी है ठीक है ना अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स अ थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स ये कह रहे हैं जॉन गॉस ठीक है अगेन दो नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है याद रखिएगा दोनों और एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर किन को कहा जाता है तो ये कहा जाता है गुडनाव को पूरा नाम फ्रैंक गुडनाव क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं द इकोलॉजिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इनिशिएटेड बाय इन ऑर्डर इन ऑर्डर मतलब इकोलॉजिकल अप्रोच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में पहले किसने किया फिर बाद में किसने किया वो ऑर्डर में पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जे एम गॉस और आर ए डाल यानी कि जे एम गॉस पहले किए फिर आर ए डाल किए इस तरह से इन ऑर्डर पूछ रहा था ठीक है इकोलॉजिकल अप्रोच एफ डब्ल्यू रिग्स जो है वो भी इकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड है जो कि अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपको हु हैज़ रिटेन द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक जो है इसको किसने लिखा है तो अगेन मैंने हिंट दे दिया पिछले क्वेश्चन में एफ डब्ल्यू रिग्स ने तो यहाँ पर इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तीन नाम आपको सुनने को मिला जी जे एम गॉस आर ए डाल और एफ डब्ल्यू रिग्स है ना तीनों को ध्यान रखेंगे अगर ये एक्सेप्ट चीज है इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इन करेक्टली मेस्ट अर्थशास्त्र सही है है ना प्लेटो का रिपब्लिक है बुक अरिस्टोटल का पॉलिटिक्स ये जो है गलत है ठीक है ये जो मैकिया वैली इनके द्वारा लिखा हुआ जो बुक है उसका नाम है द प्रिंस ओके और ये जो लवायथन है ये बुक लिखा गया है हॉब्स के द्वारा ओके तो हॉब्स के द्वारा लिखा हुआ है लवायथन नॉट बाय मैकियावेली ठीक है ना मैकियावेली के द्वारा लिखा हुआ है द प्रिंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली करेक्टली फर्स्ट एफ जे गुड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है बुक एच एस सिमोन द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट जेपीएससी में याद आ रहा होगा आपको मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स एच ए सी उसका ऑप्शन सही था है ना तो ये भी सही है ये बुक जो है उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है पर्टिकुलरली ये एस है बुक नहीं बोल सकते हैं उसके बाद एफ एम मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट तो यहाँ पर जो रॉन्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू एफ विल ऑफ बॉय इनके द्वारा द न्यू स्टेट नहीं लिखा हुआ है ठीक है ना द न्यू स्टेट किसके द्वारा लिखा हुआ है एम पी फॉलेट के द्वारा ठीक है एम पी फॉलेट के द्वारा लिखा हुआ है द न्यू स्टेट डब्ल्यू एफ विलफ बॉय बाय के द्वारा लिखा हुआ है द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये बुक जो है विलफ बॉय बाय का है और द न्यू स्टेट जो बुक है वो एम पी फोलिट का है और ये एफ एम मार्क्स का जो आपको द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट यहाँ पर दिख रहा है इसका पूरा नाम है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी ठीक है ना एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी ठीक है ये है पूरा नाम एक्चुअली इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम से एक और बुक है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम से एक और बुक है सिंपली द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ओके जो कि डॉइट वाल्डो के द्वारा लिखा हुआ है डॉइट वाल्डो ओके okay? तो यह भी ध्यान रखिएगा द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट सिर्फ अगर लिखा हुआ रहेगा तो डॉइट वाल्डो और द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी अगर रहेगा तो एफ एम मार्क्स हालांकि यहाँ पर मैंने सिर्फ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ही लिखा था ठीक है क्योंकि बुक में बस उतना ही दिया हुआ था जब मैंने इंटरनेट ब्राउज किया तो पता चला कि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी पूरा नाम है बुक का जो कि एफ एम मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ है और सिर्फ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो बुक है वो डाइट वर्ल्ड के द्वारा लिखा हुआ है ठीक है और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अब देख लेते हैं द स्टेट इज एवरीवेयर इट हार्डली इट लीव्स हार्डली ए गैप दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ जो कि हमारे पिछले जे का क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेलफेयर स्टेट ओके तो ये फिफ्टीन क्वेश्चन मैंने बनाया था उस चैप्टर पे बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और मैं कोशिश करूंगा कि पंद्रह क्वेश्चन और बनाऊँ एटलीस्ट दो वीडियो और बनाऊँ तो पंद्रह फोर्टी फोर्टी फाइव क्वेश्चन के अराउंड तो आई आई थिंक सफिशियंटली उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएगा ओके okay? तो ठीक है फिर आ, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए थैंक यू